अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल देसी परदेसी चटकारे में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ सर्दी की सौगात पीनट चिकपी चिकी या पीनट चिकपी ब्रिटल की रेसिपी शेयर करूंगी। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बहुत ही लाजवाब चिकी बनेगी। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमारी सरफेस को और बेलन को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। बेलन को भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा कप मूंगफली ली है। ये मेरी भुनी हुई मूंगफली, इसके छिलके मैंने उतार दिए हैं। इसको मैं पैन में डाल देती हूँ। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, इसको हम लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। और साथ ही मैंने आधा कप भुने हुए चने लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। इसको लो फ्लेम पर 2 मिनट भून लेंगे। हमारे चिकपी और पीनट रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें चूल्हे से उतार के अलग करके रख देते हैं। पैन में अब 1 कप चीनी फैला देंगे। चीनी को हम लो फ्लेम पर इसी तरह पकने देंगे। जब तक ये चीनी साइडों से मेल्ट होने स्टार्ट नहीं हो जाती, हम इसको इसी तरह पकने देंगे लो फ्लेम पर। चीनी हमारी मेल्ट होने स्टार्ट हो गई। अब हम सेंटर में आराम से इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। चीनी मेल्ट हो गई है, इसको थोड़ा सा और कैरमलाइज होने देते हैं। चीनी हमारी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें अपने मूंगफली और भुने चने ऐड कर देते हैं। इसका कलर जैसा हमें चाहिए वैसा आ चुका है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है।
अब इसमें हम अपने रोस्ट किए हुए भुने चने और मूंगफली शामिल कर देते हैं। ये हमारे इसमें चने और मूंगफली मिक्स हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। हम फौरन ही अपनी सरफेस पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। छुरी पे हम अपने ऑयल लगा देते हैं और अब हम इसको कट कर लेते हैं। इसको मैंने चौकोर पीसेस में कट कर लिया है। ये हमारी चिकी रेडी है। इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। अब इसको सर्व करते हैं। तो तैयार है हमारी पीनट चिक्पी चिक्की। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।